वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं अ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमने पिछले पार्ट में एक्सरसाइज देखी और इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमने ऑलरेडी पता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो सिलेंडर तो कुछ दिखने में कुछ इस तरह का होता है, स्क्वायर होता है पहले, ऊपर और नीचे सरफेस होता है। ये सिलेंडर में आप स्क्वायर से नहीं बना रहा, बट आपने हमने कागज़ से बनाया था, एक जो कागज़ था, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल। फिर उसके हमने ये दोनों छोड़ जोड़ दिए थे, ये वाला छोड़ और ये वाला छोड़ एक दूसरे से जोड़ दिया तो सिलेंडर बन जाएगा और ये ओपन होगा, ऊपर से और नीचे से ओपन होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से लास्ट में दिखेगा। तो ये हमने ऑलरेडी बनाया था, मतलब देखा था। तो अभी हम सीखने वाले हैं, ये तो हमने देखा था सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला था 2πRh, उसका फॉर्मूला था 2πRh। अभी हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो उसका मतलब अंदर की स्पेस भी हम कंसीडर कर लेंगे। पहले हमने क्या सीखा था कि हम बाहर की स्पेस ही कंसीडर करते थे, आउटर लेयर का कितना सरफेस होता है सिर्फ वो ही फाइंड करते थे। अब एक सिलेंडर मतलब अंदर कितना कुछ हम रख सकते हैं, गैस, लिक्विड और जो भी मटेरियल है वो अंदर कितना रख सकते हैं वो हम फाइंड जो करते हैं उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर आपके घर पे जो गैस आता है तो वहाँ पे भी सिलेंडर ही है, वही सिलेंडर। तो वह उसका ऊपर लिखा होता है कि 15 kg, 18 kg, मतलब वो केजी गैस को उसने किस में कन्वर्ट किया है, केजी में, कंप्रेसर को केजी में कन्वर्ट किया है। बट ऑक्यूपाई स्पेस जो होगी वो मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब क्यूब वाले यूनिट में ही होगी, वो इम्पोर्टेंट थिंग। सो फॉर्मूला आप दोनों का मिसमैच ना हो जाए और एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए वो भी देखना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2πRh और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है πR²h। करना क्या है, ये जो 2 है वो R को दे देना, वो बन जाएगा फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर। सरफेस वाला में है, ये जो 2 है उसको R को दे दो, स्क्वेयर कर दो। ये तो याद रखने की मेथड है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सो लेट्स सी एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 13 है, द पिलर ऑफ अ टेम्पल आर कंसिडर अ शेप्ड इफ द पिलर हैज सर्कुलर बेस रेडियस 20 cm, हाइट 10 cm, हाउ मच कंक्रीट मिक्सर वुड रिक्वायर टू बिल्ड 14 सच पिलर। एक टेम्पल है, वहाँ पे सिलेंडर टाइप के पिलर लगाए हैं, 14 पिलर्स है। तो हमें उस पिलर की रेडियस दी गई है और उसकी हाइट दी गई है। तो ये जो पिलर बनाने में कंक्रीट मतलब सीमेंट और रेती का मिक्सचर होता है उसको कंक्रीट कहते हैं। तो वो कितना रिक्वायर होगा, मतलब वो भी हमें क्यूब में ही मिलेगा, ठीक है, वो क्यूब में नहीं होता है, वो केजी में होता है। अगर आप देखना लेने जाओ तो सब मिला हो तो वो केजी में होगा, बट हमें क्यूब में ही मिलेगा। क्यों हमें क्यूब में मिलेगा, क्योंकि अभी हम क्यूब में ही फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम केजी में नहीं मिल सकता है यहाँ पे, हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिलेगा क्यूब यूनिट वाले में, ठीक है। तो रेडियस है हमारे पास, हाइट है, तो और हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है वो हमें पता है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस द कंक्रीट मिक्सर दैट वी यूज टू बिल्ड अ पिलर इज गोइंग टू ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस ऑफ पिलर, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि ऊपर खाली होगा और नीचे खाली होगा, मतलब पूरा अंदर भी कंक्रीट होगा, बाहर भी कंक्रीट होगा, क्योंकि पूरा पिलर कंक्रीट से बन रहा है। इसलिए हमें फाइंड क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड नहीं करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना होगा। रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर, रेडियस है 20 cm, हाइट ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल पिलर है 10 m, मीटर है तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में, ठीक है। देन नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ
ईच सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एक अभी हम पिलर बनाने वाले हैं, बट पहले हम एक ही पिलर के लिए फाइंड कर रहे हैं, उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, और आर की वैल्यू वो भी हमें पता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है हमें दिया गया है यहाँ पे ऑलरेडी, रेडियस वो है 20, एंड 20 इंटू 20 मीन्स आर स्क्वायर किया है, एंड हाइट ऑलरेडी दी गई है 10 मीटर दी गई थी, बट हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो 1000 सेंटीमीटर होगी, और यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। सो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 88, उसके बाद है 50, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 7 इंटू सेंटीमीटर क्यूब। तो उसको हमने यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हमने कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, हमें ये फॉर्मूला तो पता है, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है, 1000 होता है, अगर यहाँ पे क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर क्यूब करेंगे तो यहाँ पे भी मीटर क्यूब करना पड़ेगा, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, बट 1000 का क्यूब करेंगे तो कितने जीरो ऐड हो गए, यस, और 3 3 के पैर के जीरो ऐड हो गए, मतलब टोटल 60 ऐड हो गए वहाँ पे क्यूब करेंगे तो। सो दैट इज द थिंग, देन सी नेक्स्ट, और वहाँ पे मैंने मिस्टेक की, 1 मीटर इज इक्वल टू, मैंने शायद 1000 लिखा, 1000 नहीं होता है, 100 सेंटीमीटर ही होता है, ओके, आई वॉज मिस्टेक दे, बी करेक्ट दैट, और वो कहीं माइंड पे बिठा मत लेना, 90। अब वॉल्यूम ऑफ पिलर, मतलब हमें कितने वॉल्यूम पिलर के वॉल्यूम फाइंड करने हैं, 14 के, अगर एक का इतना है तो 14 का कितना होगा, यस 14 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो पता चल जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर फाइनली मिलेगा 17.6 मीटर क्यूब, हमें आंसर मिलेगा 17.6 मीटर क्यूब। ये जो होगा इतना एरिया वाला कॉन्क्रीट मिक्सचर हमें चाहिए होगा, पिलर वुड नीडेड 17.6 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सचर। नेक्स्ट है, एट अ रमजान मेला अ स्टॉल कीपर इज अ वन ऑफ द फूड स्टॉल हैज अ लार्जर सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ बेस। एक रमजान मेला चल रहा है, उसमें एक शॉप कीपर है, उसके पास लार्ज सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका बेस है 15 सेंटीमीटर, हाइट है 32 सेंटीमीटर, विथ ऑरेंज जूस, उसमें क्या भरा है, ऑरेंज जूस भरा है, द जूस फील्ड अ स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस, वो जूस क्या करेगा, आप छोटे छोटे ग्लास में भर के देगा सबको, जूसिस ऑफ फील्ड अ स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि एक बड़ा कंटेनर है उसमें से छोटे छोटे ग्लास वो भर रहा है शॉपकीपर, उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर, और एक ग्लास के वो कितने रुपीस लेता है, 15 रुपीस लेता है, मोस्टली रमज़ान मेला में आप शामिल हो तो फ्री में देते हैं आई थिंक, बट यहाँ पे हम सम के हिसाब से चलते हैं, सोल्ड 15 रुपीस। हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव्ड सेलिंग जूसेस कम्प्लीटली। तो ये सब ये पूरा जो टैंक वो फिल करके आए हैं, ठीक है, वो बेचेंगे तो उसको कितने रुपीस ऑन हो गए वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, सो लेट्स फाइंड। तो क्या करना है, पहले यहाँ पे छोटे छोटे ग्लास है तो मतलब पहले हमें देखना है कि वो कितने ग्लास भर सकता है, अगर एक हमें पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम पता चल गया, फिर ग्लास का वॉल्यूम फाइंड करना है,
तो इसका वॉल्यूम को ग्लास के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ ग्लास हम भर सकते हैं। उसके बाद जितने नंबर ऑफ ग्लास है उसको हम कितने से मल्टीपल करेंगे, यस 15 से मल्टीपल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने रुपए कमा सकता है, अर्न कर सकता है। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। द वॉल्यूम ऑफ जूस वेसल, वेसल बड़ा है इसलिए उसकी रेडियस हमने आर रखी है, कैपिटल आर। वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल, वो सिलिंड्रिकल ही है, कैपिटल आर रखा है और कैपिटल एच रखी है हाइट, ठीक है। तो रेडियस है 15 और हाइट है 32, तो हमने लिख दिया। और सेंटीमीटर क्यूब ही रहने देते हैं, यूनिट में भी कोई चेंज नहीं करते। और ये है, मान लो कि हमें ये आंसर मिल गया, हम आगे कोई प्रोसेस नहीं करते, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू भी हमने रखी नहीं है, क्यों नहीं रखी है वो भी आपको पता चल जाएगी। और सिमिलरली द वॉल्यूम ऑफ जूस ईच ग्लास कैन होल्ड, एक ग्लास का वॉल्यूम क्या है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है सिलेंडर के लिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए। तो आर की वैल्यू होगी 3 और हाइट होगी 8, ठीक है। तो ये भी हम ऐसे ही रखते हैं, पाई इंटू 3 × 3 × 8 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे पाई इंटू 15 × 15 × 30 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। द नंबर ऑफ ग्लासेस जूस कैन होल्ड, तो क्या होता है कि हमें वॉल्यूम ऑफ वेसल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लास कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ग्लास, वो हमें ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। तो हमने वही प्रोसेस यहाँ पे कर दी, हमने इसलिए वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं किया था ताकि हम यहाँ पे कैंसिल कर सके। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 15 यहाँ पे 5 × 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा 5 × 3, और 8 भी कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें आंसर मिलेगा 100। तो वो एक टंकी में से 100 ग्लास भर सकता है। अगर एक ग्लास की प्राइस 15 rupees है तो 100 ग्लास की प्राइस हुई 1500 rupees। तो शॉपकीपर 105,000 rupees अर्न करेगा अगर वो पूरी टंकी बेच लेगा जूसेस की, ऑरेंज जूसेस की। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना। अप टू देयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 13.6।